बिहार प्रदेश है और बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री है और दो मुख्यमंत्री कैसे हैं उसे हम बहुत करीबी से दिखाएंगे अपने दर्शकों को और जिला प्रशासन को। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है और आज हम बिहार प्रदेश के यानी विकसित बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा प्रखंड क्षेत्र के लोहसरी पंचायत के वार्ड नंबर 13 और 9 के बीच में खड़े हुए हैं और यहां से हम क्या दिखाने जा रहे हैं, यहां से ये चीज दिखाने जा रहे हैं कि कैसे बिहार की 14 करोड़ आबादी के खजाने को लूटा जाता है। और लूटने वाला कौन है ये नहीं जानते हैं आप, लूटने वाला वो है जिसको जनता लाइसेंस देती है। जनता लाइसेंस किसका देती है? सेवा करने के लिए। लेकिन पता नहीं वो सेवा वाला लाइसेंस कब घोटालाबाज हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है और हम इस बात को जो है साक्ष्य के साथ बोलने वाले हैं, चूंकि हमारा कर्तव्य है कि सच्चाई को दिखाना और सच्चाई को दिखाने से समाज और प्रशासन के संज्ञान में यह मामला आता है। ये देखिए लोसरी पंचायत के वार्ड नंबर 13 में हम हैं और एक यहाँ पर हमारे पास ई ग्राम स्वराज का जो अप टू डेट है वो मेरे पास है और अप टू डेट में लिख रहा है कि अवध सहनी के घर से राम श्रेष्ठ राय के घर तक फेबर ब्लॉक का काम हुआ है और इसमें 1.5 लाख रुपया राशि जो है निकल चुका है। हम यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भाई साहब मुझे बताइए हम कोई गलत पते पतो नहीं है, अवधेश अवध सहनी का घर किधर हुआ? सामने ये घर अवध सहनी का घर हुआ है सर, बताइए। जी जी, कौन घर हुआ अवध सहनी का? ये जो टट्टी वाला घर दिख रहा है। और ये राम श्रेष्ठ सहनी का राय का घर किधर हुआ? सामने, वो सामने ये गाय जो भैंस है वो मैं कहा देख लीजिए कि ये गाय भैंस जो बंधा हुआ है ये राम श्रेष्ठ सहनी का घर हुआ और यहाँ पर जो है ये फेबर ब्लॉक का जो है 1.5 लाख का निकासी जो है दिखाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, हम बता रहे हैं कि इस गांव में और इस पंचायत में बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार भी किस तरह से हुआ है कि पैसे का निकासी किया गया है और इस निकासी में केवल मुखिया जी नहीं है, इनसे बड़ा घोटालेबाज यहाँ का पंचायत सचिव है, क्योंकि पंचायत सचिव के अनुमति के बिना मुखिया और वार्ड 1 रुपया नहीं निकाल सकते हैं, पंचायत का रुपया है। इस गांव में जन्म लेने वाला इस बच्चे का ये पैसा है, देख लीजिए ये बच्चा भाग रहा है, इसे नहीं मालूम है कि मेरे पैसे का चोरी हो चुका है। और चोरी करने वाला जो व्यक्ति है ना वो बहुत सातिर है, और सातिर क्यों है? क्योंकि वो कुर्ता पैजामा पहनता है, वह जो है जींस पैंट और शर्ट पहनता है, चश्मा लगाता है, सोने जैसा घड़ी पहनता है। आता कहां से है? तो आता ही जनता के पैकेट से, और जनता का पैकेट कब मार लेता है उसे पता नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि ये जनता जो है कुंभकर्णी नींद में सोई है और सरकार जो है इनको सोने ही दे रहा है, जगने का मौका नहीं दे रहा। या तो भाग्य मनाइए कि दुर्भाग्य मनाइए, हम जैसे पत्रकार जो है चिल्ला कर जो है ये अंधी बहरी जनता को और गूंगी बहरी जनता को जगा रहे हैं कि रे भाई तोरा पॉकेट मरा रहा, तोरा बच्चे का पॉकेट मरा रहा, तोरा पंचायत के विकास का पैसा लूट रहा है। और ये जो लुटेरे हैं ये पूरे बिहार में है, केवल लोसरी पंचायत में नहीं है। और इसको जो है बड़ी आसानी से प्रखंड विकास पदाधिकारी बोचहा सर्टिफिकेट भी दे देते हैं कि नहीं एकदम ओके काम, लेकिन ग्राउंड पर कोई नहीं आता। ये ग्राउंड पर देख लीजिए फेवर ब्लॉक कहीं दूर दूर तक नहीं है। क्या हुआ, काम हुआ है क्या फेवर ब्लॉक का? नहीं सर, फेवर ब्लॉक का काम नहीं हुआ। आप कौन है यहाँ के? यहाँ गाँव के रहने वाले। गाँव के रहने वाले है, कौन है आप? गाँव के रहने वाले। आप कौन है भाई साहब? हम वार्ड सदस्य 9 का है। वार्ड सदस्य 9 का मतलब ये रोड के इधर के आप वार्ड सदस्य हो गए? तो आप इधर आइए, अपने क्षेत्र में आइए, पहले इधर आइए। आप यहाँ के वार्ड सदस्य हो गए तो उधर का भी बात बता दीजिएगा सही सही, कि तनिक कागज बता लीजिए तो लीजिए इसको हाथ में। अब बताइए कि इसमें जो लिखल तनिक पढ़िए हमारा कैमरा पर। इसमें तो लिखा हुआ है जो 14/8/2022 को 1.5 लाख रुपया निकासी है। अच्छा, बिग अनटाइड अमाउंट पेड टू मनीषा इंटरप्राइजेस फॉर स्कीम। इसमें लिखा हुआ है कैलाश सहनी के जगह जो है अवधलाल सहनी के जगह कैलाश सहनी करके और राम श्रेष्ठ राय के दरवाजे तक जो है। ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है काम, पक्का नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। दूसरा पेज बताइए क्या लिखल है। दूसरा जो है ये मेरे वार्ड का ही समस्या है, 2/9/2022 को जो है
एमडी सलाम अंसारी के घर से मेन रोड तक फेवर ब्लॉक, ये हमको जानकारी नहीं है अभी तक। देख लीजिए इनको जनता चुनी है, ये खुद सूतल आदमी को चुन लिया, इनको मालूम नहीं है आ पैसा इनका निकल गया। सही बात है, वही ना हमको जब जानकारी मिला जब कितना है अमाउंट, 1,00,000 रुपए अमाउंट है इसका। ये काम क्या है, फेवर ब्लॉक का है, ये खरंजा लगाने का कार्य जो है हुआ है, ये काम नहीं हुआ अभी। चलिए अब तीसरा देखिए, ये जो ये भी जो है सो 6/7/2022 का जो है निकासी है, अनटाइड अमाउंट पेड टू मनीषा इंटरप्राइजेज 4 योजना अवधेश राय के घर से प्रमोद राय के घर तक फेवर ब्लॉक है, ये काम हुआ है अभी तक, ये कार्य नहीं हुआ। अच्छा चलिए अभी ये चौथा देखिए, ये जो है सो 49,500 का निकासी है 23/6/2022 को। अच्छा अनटाइड अमाउंट पेड टू जफर ब्रेक्स वर्क्स 4 योजना लाल बाबू ठाकुर टू वृंदर राय पीसीसी, ये काम हुआ है, ये भी मेरे 9 नंबर वार्ड का है, ये भी कार्य अभी तक नहीं हुआ है। चलिए अब देखिए इसके बाद जो है अनटाइड अमाउंट पेड टू पप्पू कुमार एस लेबर माटी 4 योजना लाल बाबू ठाकुर टू वृंदर राय पीसीसी 88,154 रुपया निकासी, ये काम हुआ है, अभी कार्यस्थल पे नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा अनटाइड अमाउंट पेड टू जय माता दी इंटरप्राइजेज 4 योजना लाल बाबू ठाकुर टू वृंदर राय पीसीसी 1,63,027 रुपया निकासी 4/6 को है, काम हुआ है, स्थल पे कार्य अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा आगे है अर्जुन ठाकुर के घर से मेन रोड तक फेवर ब्लॉक 75,000 ये निकासी है 2/9/2022 को, ये स्थल पे अभी तक कार्य नहीं हुआ है, यानी ये पूरे के काम नहीं हुआ, नहीं हुआ है अभी तक, काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, नहीं हुआ है काम, और काम नहीं हुआ इनको मालूम भी नहीं है, और हम जैसे पागल पत्रकार गांव गांव में घूम कर आई जनता का पॉकेटवा बचाने के चक्कर में पड़े हैं, आई ऐसी मूर्ख जनता है कि चाय और पानी के लिए भी नहीं पूछता है, अब मुखिया जी को जो है या विधायक जी को जो है कुर्सी दे देता है, काहे लिए कि बैठेंगे तो लूट के लेके जाएंगे, ये है जनता का हाल। सही कह रहे हैं चाचा जी, सही बात। मैं बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार और बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम और सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव, ये आपका अहिरे का टोला है, अहिरे के टोला में हम खड़े हैं, अहिरे के टोला को लूटा जा रहा है, और आप जो है ना मुख्यमंत्री सचिवालय में जो है झाल बजा रहे हैं, और अगर आप में दम है ना तो आप जो है यहाँ के संबंधित पदाधिकारी और जिम्मेवार लोगों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाकर कार्रवाई करके दिखा दीजिए, न तो बिहार की जनता है जितने बढ़िया से गोद में लेती है ना उतने कस का पटकियों देती है, बिहार की जनता है। फिलहाल मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप इस खबर को इतना शेयर करें कि यह बिहार के पटना तक पहुंच जाए। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।